फ्रेंड्स स्वागत है आपका फिर से फ्रेंड्स पिछले पांच छह महीनों से बैंक की बात चल रही थी कभी बैंक मर्जर होगा कभी बैंक प्राइवेटाइज होगा या होल्डिंग कंपनी बनेगी विभिन्न प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे और बैंक कर्मी और ग्राहक हमेशा ही चिंतित रहते थे कि क्या होना है हमारा पैसा सुरक्षित होगा या नहीं होगा अल्टीमेटली स्टरडे यानी मंडे को वित्त मंत्री ने अपने बजट स्पीच में क्लियर किया कि हम बैंक प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं उन्होंने दो पीएसपी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के लिए अनाउंसमेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ऑन मंडे अनाउंस दैट टू पब्लिक सेक्टर बैंक एंड वन जनरल इंश्योरेंस कंपनी विल बी प्राइवेटाइज सी ऑल्सो सेट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एल आई सी विल टेक प्लेस इन द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग अप्रैल द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसड रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड करोर रिकलाइजन ऑफ द पी एस यू उनको अपने बजट स्पीच में क्लियर किया कि अदर देन आई डी बी आई बैंक बी प्रपोज टू टेक अप द प्राइवेटाइजेशन ऑफ टू पब्लिक सेक्टर बैंक एंड वन जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन द इवेंटी वन ट्वेंटी टू दिस रिक्वायर legislative amendments and i propose to introduce the amendments in the session itself sitaraman said in her budget speech however the name of banks that will be privatized had not been disclosed yet the government which currently holds the majority stake in psu expect to bring down the stake in the two psu banks below 51% or sell the entire stake to private ownership

अब सवाल ये है कि जो हमारे प्राइवेटाइज होने वाले बैंक हैं वो कौन होंगे और जब तक ये नाम डिक्लेयर नहीं होगा तब तक बैंकर्स और हमारे कस्टमर्स दोनों की ऊँह पुहँ की स्थिति बनी रहेगी हालांकि एनालिस्ट का कहना है कि दो बैंक जो होंगे हालांकि मैं यहाँ पे नाम इसलिए आपको बताना चाहूंगा लेकिन ये कंफर्म न्यूज किसी भी प्रकार से नहीं है जो एनालिस्ट लोगों का कहना है उनके हिसाब से उन्होंने मिडिल और स्मॉल बैंक की बात की लेकिन कुछ एनालिस्ट का कहना है कि नहीं वो बिगर बैंक हो सकता है जो भी स्ट्रक्चर्ड हो अगर स्मॉल और बैंक की बात करें तो उनका एनालिस्ट का कहना है कि पंजाब एंड सिंध बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो सकते हैं इस पे आप ये अभी किसी प्रकार का कोई अपडेट्स नहीं है ये एनालिस्ट के कहने के हिसाब से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ लेकिन अभी मॉर्निंग की न्यूज़ में आप देख रहा था कई स्टेटमेंट्स कई इकोनॉमिक मैगजीन्स में पढ़ने के बाद वहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पंजाब नेशनल बैंक भी हो सकते हैं लेकिन उनका कहना था कि इनके पीछे ये दो बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक हो सकते हैं लेकिन कौन बैंक होगा ये अभी किसी प्रकार की निश्चित नहीं है हाँ फोर बैंक ऑफिसर्स यूनियन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स सेट द प्रपोजल फॉर सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इज टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द कॉरपोरेट And foreign companies to take control of the public sector space. In Charo Idonon Nikaha, we register our strong opposition to the proposed amendment of the bank License and insurance laws to facilitate such privatization and enhance the permissible FDI limit in the insurance sector from 49% to 74%. The four unions said in a joint release. They said, in the era of the bank nirbhar bharat where all the schemes of government are being implemented by the public sector banks the proposal to privatize two psbs is retrograde and inimical to the national interest the union said in the first five decades the state run banks have played a pivotal role in the rapid economic development of the country infrastructure development अपलिफ्टमेंट ऑफ द इकोमिकली विकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुमेन फार्मर्स द एम एस एम ई सेक्टर एंड इन द ब्रिजिंग द रीजनल डिसपेटीज दे अर्थ द गोर्मेंट टू रोल बैक द स्ट्रेटिक इनवेस्टमेंट प्लान एंड हैव ए पब्बलिक कंसल्टेसन विद द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द ट्रेड यूनियंस बिफोर टेकिंग एनी फर्दर स्टेट अपने विरोध में यूनियन ने ये बातें अपने गेंट को लिखा है इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही है कि जो बैंक का ए यूनियन है उन्होंने तीन फरवरी को देशव्यापी एक प्रोटेस्ट करने के लिए कहा है लेकिन फ्रेंड्स क्या ये प्रतिरोध जब पिछले पांच छह महीनों में ये खबर आ रही थी कि बैंक प्राइविडेशन होने की संभावना है तब यूनियन ने इसको क्यों नहीं प्रतिरोध किया अब जब वित्त मंत्री द्वारा इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए हैं ऐसे में क्या लगता है कि गवर्नमेंट इसे मान लेगी ये विधिवत विरोध की जरूरत है लेकिन पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ जब गवर्नमेंट ने मर्जर के बारे में बात कही थी तो मर्जर हुआ था और अब गवर्नमेंट दो पीएसयू बैंक यानी कि आईडीबीआई के अलावा दो पीएसयू बैंक हैं कुछ लोग कहते हैं इनसाइडर से द गवर्नमेंट इज अनलाइकली टू टच द मेगा पीएसयू बैंक क्रिएटेड आउट ऑफ द मर्जर the privatization candidates are likely to be the stand alone banks left after the consolidation exercise bank of maharashtra bank of india and indian overseas bank have for the long been speculated to be in the list in the insurance sector new india insurance is seen as a candidate as it is already listed and was historically owned by the tatas the other three public sector insurance were to be merged but owing to the issues linked to the financial position of the government has put the move on the bank burner shares of new india jumped 9% to close to the rupees 130 on monday ye union ka kehna hai ki bank unions called it bailout operation for corporate defaulters unka kehna hai ki the government on the one hand proposed to privatize idbi and at the same time proposes formation of development bank For which it has proved provided the rupees 20,000 crores, said General Secretary of the Maharashtra State Bank Applied Federation. However, the bankers cheered the announcement stake sale in public sector. Companies and the financial institutions, including two PSB and one insurance company, in the next fiscal year, a welcome move by said Padmajaj. जो प्राइवेट होंगे अभी कुछ पता नहीं है कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन कौन से बैंक हो सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि इंश्योरेंस सेक्टर में न्यू इंडिया इंश्योरेंस के चांसेज हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक लेकिन कुछ एनालिस्ट करते हैं कि नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पंजाब नेशनल बैंक ये अभी केवल कयास है किसी प्रकार का कोई कंफर्मेशन किसी भी एंगल से गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया गया है लेकिन ये वक्त है कि जब यूनियन प्रोटेस्ट करे और गवर्नमेंट के इस स्कीम को रोल बैक करने के लिए कहे क्योंकि डी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक को स्टेक सेल कम करना ही नॉट ए ओनली बीजर्स तो फ्रेंड्स ये और इनकम टैक्स लेब में कोई बदलाव नहीं हुआ है केवल जो खबर है जो अभी आप डिटेल आप बजट ऐप पे भी देख सकते हैं कि 75 फाइव ईयर्स लोगों के लिए जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा लेकिन उन्हें कहाँ इनकम टैक्स पेंशन इनकम के अलावा इनकम टैक्स देना होगा ये पूरी डिटेल बातें आप बजट ऐप के जरिए जान सकते हैं फ्रेंड्स आज इतना है क्योंकि बहुत मन नहीं कर रहा है बात करने का मन दुखी है थोड़ा सा कि हमारे जो स्टेट रन बैंक हैं उनका प्राइवेट होने की बात चल रही है ये कयास धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है कौन सा बैंक होगा यह हम लोग भविष्य में देखेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट अपडेट के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू